नोटबंदी का असर आम आदमी पर ही नहीं बल्कि भगवान के घर में भी नजर आ रहा है। खाली पड़ी दान पेटियों को देखते हुए मंदिरों में स्वाइप मशीनें दिख रही हैं। दरअसल बड़े नोट के चलते मंदिरों की दान पेटी खाली पड़ी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बंजारी मंदिर में लोगों की सुविधा को देखते हुए दान पेटी के पास स्वाइप मशीन लगा दी गई है। अब स्वाइप मशीन के जरिए मंदिर में आने वाले श्रद्धालु आसानी से दान दे पाएंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन ऑनलाइन डोनेशन की सुविधा भी जल्द शुरू करने जा रहा है, तो वहीं तिरुपति और तिरुमाला में भी मंदिर प्रशासन ने दान पात्र के पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड मशीन की व्यवस्था कर दी है। हालांकि मथुरा में स्वाइप मशीन की व्यवस्था तो नहीं दिख रही, लेकिन वृंदावन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैनर लगवाए हैं, जिन पर साफ साफ लिखा है कि श्रद्धालु 500 और 1000 के नोट दान पात्र में ना डालें। बहरहाल श्रद्धालु मंदिरों में इस्तेमाल की जा रही स्वाइप मशीनों का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद से देश भर में नकदी की भारी कमी चल रही है। ऐसे में अब मंदिरों के साथ साथ पूजा की दुकानों में भी स्वाइप मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मंदिरों में भी कैशलेस सिस्टम अपनाया जा रहा है। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से कैशलेस सिस्टम कब तक अपनाएगी, यह देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।